आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने नॉलेजेबल कंसेप्ट चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है मेल मर्ज फ्रॉम एक्सेल टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नॉर्मली मेल मर्ज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे इस्तेमाल होता है, हमारा एक वीडियो अवेलेबल है हमारे नॉलेजेबल चैनल कंसेप्ट में, प्लीज आप वहां से वो चेक कर लीजिए। आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं मेल मर्ज फ्रॉम एक्सेल टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे यहाँ पे कोई कंपनी का नाम आप लिख सकते हैं, ये कुछ सैलरी इंक्रीमेंट का लेटर है जो हमें हमारे एम्प्लॉयज को देना है। उनकी कितनी सैलरी थी, अभी उनकी सैलरी कितनी इंक्रीज हो चुकी है, उसके लिए हमारे पास एक्सेल में पूरा रिकॉर्ड अवेलेबल है। ये देखिए आप रिकॉर्ड देख रहे हैं, यहाँ पे सब हमारे एम्प्लॉयज का नाम लिखा हुआ है, हम कौन से डेट पे उनको लेटर ये भेज रहे हैं, उनका सैलरी अभी कितना है, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है और वो कब से इफेक्ट होगा, ये पूरा एक्सेल का रिकॉर्ड हमारा बना हुआ है। हमने इस शीट का नाम भी मेल मर्ज से ही सेव किया हुआ है, दूसरी शीट से हमें कंसर्न नहीं है। मेन हमारा ये मेल मर्ज का जो टॉपिक है वो हमने यहाँ पे सेव किया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चलते हैं हम, यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है मेलिंग टैब का, मेलिंग टैब में गए, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दिखा रहा है स्टार्ट मेल मर्ज, इसके अंदर जाते यहाँ पे दिखा रहा है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज, यहाँ ऑन किया। राइट साइड में आप नोटिस कीजिए यहाँ पे पहले लेटर पे टिक मार्क किया हुआ है, वही रहने दीजिए। अब यहाँ से नेक्स्ट कीजिए, सेकंड ऑप्शन दिखा रहा है कि आपको क्या चाहिए, हमें रनिंग डॉक्यूमेंट चाहिए जो हमारा वर्किंग चल रहा है, नेक्स्ट किया। अब थर्ड ऑप्शन आया सिलेक्ट रिसेप्शन का, इस लेटर को कौन रिसीव करेगा, तो उसके लिए लिस्ट हमारी अवेलेबल है कहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, ओके। अब हम यहाँ से ब्राउज करके जाते हैं, ब्राउज किया, अब जो हमारा एक्सेल का मैटर है वो हमने सेव किया हुआ है डेस्कटॉप पे, स्क्रॉल करके यहाँ पे देखिए मेल मर्ज नाम से सेव किया था हमने, ओके किया, पूछा भी उसके अंदर कौन सी शीट में ये रखा हुआ है, हमारा रखा हुआ है मेल मर्ज नाम से, ओके किया, यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड आ गया, जो भी हमने वहां पे नाम लिखे थे, डेट, प्रीवियस सैलरी, ये सब रिकॉर्ड यहाँ पे अभी हमें दिखा रहा है। अगर आपको इसमें अभी भी और भी कुछ चेंजेस करनी है, सपोज स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है या डेट में कोई इश्यू है, तो यहाँ पे देखिए दिखा रहे डेटा सोर्स, यहाँ पे जैसा प्रेस कीजिए, एडिट कीजिए, ये क्या दिखा रहा है, ये वर्किंग में है, तो जो हमारा एक्सेल का डॉक्यूमेंट है इसको क्लोज कर देते हैं फर्स्ट हम। अब यहाँ पे इसको प्रेस करके ये एडिट में गए, आया ये रिकॉर्ड यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको जो भी चेंजेस करनी है आप वो चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज ओके कर दिया। यहाँ पे सभी हमारे एम्प्लॉयज के सामने टिक मार्क किया हुआ है, अगर आपको सपोज किसी एक या दो को एम्प्लॉय को मैसेज नहीं भेजना है तो आप यहाँ से वो फंक्शन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन हमें तो सभी को भेजना है तो हमने सभी का नाम टिक मार्क कर दिया, ओके किया। अब यहाँ पे आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं दिखाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट मर्ज फील्ड में आना है। अभी ये देखिए जो भी वहां पे हेडिंग्स थी वो सब यहाँ पे आ गई। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, हमें डेट कहाँ चाहिए, यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे कर्सर रखना होगा, मर्ज फील्ड में जाके डेट पे प्रेस किया, आया यहाँ पे। उसके बाद नाम, तो यहाँ पे डियर लिखा हुआ है, थोड़ा स्पेस दिया हमने, और इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाके नेम लिखा, ये यहाँ पे नेम, ये बैक स्पेस डिलीट से यहाँ पे सेट कर लेते हैं क्योंकि डेट का वहां पे इश्यू आ रहा था। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से प्रीवियस सैलरी चाहिए, तो प्रीवियस सैलरी हमें यहाँ दिखानी है, यूएस सैलरी हैज बीन रिवाइज फ्रॉम, यहाँ कर्सर रखा और यहाँ पे ये प्रीवियस सैलरी, ओके, थोड़ा स्पेस दे देते हैं, और यहाँ पे अगेन कर्सर रखा और यहाँ पे ये करंट सैलरी, फिर से स्पेस दे देते हैं, यहाँ पे आ गया ये मैटर। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, विथ इफेक्ट फ्रॉम, यहाँ पे ये विथ इफेक्ट फ्रॉम कर्सर रखा और ये इफेक्टिव डेट यहाँ पे दिखा दिया, ओके, और यहाँ पे अगर आप चाहें तो फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ये एक रफ प्रोफार्मा हमारे सामने रेडी हो चुका है आपको सिखाने बताने के लिए कि मेल मर्ज एक्सेल में से कैसे कन्वर्ट हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अगर ये हमारे लिए फाइनल हो चुका है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है फिनिश मेल मर्ज, यहाँ जाके हमें आना है इंडिविजुअल्स में, और यहाँ पे हमें सबका रिकॉर्ड चेक करना है, इसलिए ऑल पे टिक मार्क किया हुआ है और ये हमने ओके कर दिया। ये देखिए हमारे सामने आ गया डॉक्यूमेंट, यहाँ पे ओवरऑल दिखा रहा है पेज 1 of 6, जैसे मिस्टर डियर अमर आ गया, यहाँ पे ये डेट आ गई और यहाँ पे ये इफेक्टिव डेट कब से होगा, ये क्या हो रहा है, MDY के बेसिस पे है, मंथली मंथ डेट एंड ईयर के बेसिस पे, यहाँ पे जो उसका रनिंग सैलरी है और न्यू सैलरी क्या होगा, कब से इफेक्ट होगा, और स्क्रॉल करके आ रहे हैं यहाँ पे ये सेकेंड नंबर जो हमारा एम्प्लॉई है, यहाँ पे ये नेक्स्ट, ऐसे सबके सब रिकॉर्ड्स हमारे सामने यहाँ पे अवेलेबल हो गए, क्या से जो हमने मेल मर्ज फंक्शन सेव करके रखा हुआ था एक्सेल में वो टोटली अभी शिफ्ट हो चुका है हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। फिर हम चाहें तो उसको प्रिंट आउट करके फॉरवर्ड कर सकते हैं जैसे आपको रिक्वायर्ड हो, या सेव करके रख दीजिए, नेक्स्ट टाइम जब रिक्वायरमेंट होगी ये हम फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। यही सेम मैटर आप चाहें तो, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, मेलिंग में जाके स्टार्ट मेल मर्ज में और स्टेप बाय स्टेप किया ना,
यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्ट रिसेप्शन का, यहाँ जाके आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, इसे आप ऑन कर सकते हैं और जहां पे भी आपका एक्सेल का मेथड सेव किया हुआ है अब वहां पे मूव ऑन कीजिए, ओके कीजिए। यहाँ पे आ गए वही सेम लिस्ट हमारा, यहाँ पे सेव किया हुआ है कंटेंट, ओके किया। अब यहाँ पे कुछ टेबल नहीं है जैसे हमने पहले लिया था, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अभी एडिटिंग करना होगा। यहाँ पे दिखा रहे एडिट रिसेप्शन लिस्ट, यहाँ आने के बाद यहाँ पे फिर आपको एडिट का ऑप्शन आ जाता है। आपको कुछ एम्प्लॉय को सेंड नहीं करना है, सेंड करना है, कुछ चेंजेस करनी है, तो आप क्लिक करके एडिटिंग कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से डेटेज देखिए जैसे राइट साइड में दिखा रहे हैं वहां से चाहिए वहां से भी सपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से सिलेक्ट रिसेप्शन में जाके भी डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक्सेल का मैटर कन्वर्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज की हेल्प से एम्प्लॉइज को मैटर सेंड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जैसे न्यू वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।